हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी में मैं आपके लिए लाई हूँ भाकरवड़ी। तो फेस्टिवल का सीज़न तो स्टार्ट हो चुका है और ये रेसिपी मैंने बनाई है मेरे ख्याल से 8 या 10 साल बाद, या फिर शायद इससे भी थोड़ा ज़्यादा। और बहुत ही अच्छी बनी है, इतनी खुश हूँ मैं इसके आउटकम से। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत अच्छी लगेगी। बहुत आसान है इसको बनाना और उतना ही टेस्टी। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। भाकरवड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 350 ग्राम मैदा और 1/2 कप बेसन। साथ ही इसमें मैं डालूँगी 1 TSP नमक। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें मैं मिलाऊँगी 1/4 कप रिफाइन ऑयल मोयन के लिए। इसको हम पहले मिक्स करके देखेंगे, अगर हमें ज़रूरत लगी तो मैं थोड़ा सा 1 टेबल स्पून और डालूंगी इसमें मोयन। इसको अच्छे से हाथ से मसल मसल के तेल के साथ मिक्स करें। यहाँ पे मैं 1/8 कप और मोयन के लिए तेल ऐड कर रही हूँ। भाकरवड़ी में हमारा मोयन अच्छे से होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे भाकरवड़ी अच्छी क्रिस्पी बन सके। तो ये देखिए, इसमें मोयन बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है कि अगर मैं इसको इस तरीके से मुट्ठी बांधूंगी तो हमारा आटा ऐसे बंध जाएगा। थोड़े थोड़े पानी इसमें ऐड करके हम एक आटा गूंदेंगे जो ना तो बहुत सॉफ्ट होगा और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त। तो यहाँ पे मेरा आटा गूंद चुका है, इसको मैं 10-15 मिनट के लिए छोड़ूंगी थोड़ी देर ढक के, और तब तक हम इसकी स्टफिंग रेडी करेंगे। तो यहाँ मैंने एक तवा डाला है गरम होने के लिए, आप इसके बदले कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें मैं डालूँगी 1.5 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून वाइट तिल, 1 टेबल स्पून खसखस। इसको हम भून लेंगे। दो मिनट बाद ही इसमें अच्छी खुशबू आने लग जाएगी। इसमें मैं ऐड करूंगी 50 ग्राम डेडिकेटेड कोकोनट। आप इसके बदले जो खोपरा रहता है उसको भी कद्दूकस करके यूज़ कर सकते हैं। इसको नारियल के साथ एक बार मिक्स करके मैं हल्का भून लूँगी और फिर इसको निकालेंगे हम एक बाउल में। इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए, फिर इसमें हम और आइटम मिला के इसको मिक्सी के जार में पीसेंगे। नेक्स्ट इसमें मैं मिलाऊँगी 1.5 टेबल स्पून चीनी, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून नमक और 1 TSP मिर्ची। इन सबको मिला के अब मिक्सी के जार में हम दरदरा एक पाउडर बना लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको फाइन भी ना करें क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट जो इसमें हैं वो वैसे ही साइज़ में बहुत छोटे हैं, तो पर्ल्स में 1 या 2 बार ही हम बस इसको मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, पीसने के बाद यहाँ पे हमारी स्टफिंग भी तैयार है। और ये है इमली का पानी, इसको मैंने बस थोड़ी सी इमली को पानी में भिगो के रखा था और उसके बाद उसको छान लिया है। बहुत ज़्यादा मैंने इसको पतला नहीं किया है पानी डाल के, आप देख सकते हैं। बाकी इसमें मैंने और कुछ नहीं मिलाया, ये सिर्फ इमली का पानी है। अब हमारा जो आटा है इसमें मैं हाथ में लगाऊंगी हल्का सा और इसको थोड़ा सा और मसल के मैं स्मूथ कर लूँगी। तो यहाँ इस पर मैं लगाऊँगी हल्का सा तेल ताकि हम इस पर हमारा डो बेल सके। और इसको मैं रेक्टेंगल के शेप में बेल लूँगी। कोशिश करें कि इसको थोड़ा सा पतला बेलें।
तो इस पे अब मैं लगाऊंगी हमारी इमली की चटनी या इमली का पानी। एक साइड से यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे हम पानी लगाएंगे इसको चिपकाने के लिए, और बाकी जहाँ जहाँ हमने इमली का पानी लगाया है उस पे मैं ये स्टफिंग रख के अच्छे से फैला लूँगी ताकि इमली के पानी के साथ हमारा ये स्टफिंग चिपक जाए। बहुत ज़्यादा भी ना भरे, इसको अच्छे से हर तरफ फैला ले। और अब एक तरफ से हम करेंगे इसको रोल करना शुरू। तो कोशिश करें कि पास पास में और थोड़ा टाइट रोल करें, और बाकी ये जो तीन एरिया है इसको मैं पानी लगा के, प्लेन पानी लगा के इसको फिर रोल करेंगे। पास पास में रोल होगा तो बहुत अच्छे से इसकी फिनिशिंग आएगी कटने पे भी। ये देखिए, अब इसको इस तरीके से इसको थोड़ा सा रोल कर लें। और अब इसको हम काटेंगे। बहुत ज़्यादा पतला भी ना काटें और बहुत ज़्यादा चौड़ा भी नहीं। ये देखिए, इस तरीके से जो हमारा शेप होगा उसको हम थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे, हल्का सा दबा के इसको फ्लैट कर लेंगे ताकि जो एयर, ये जो गैप इसमें आ गया है, ये भी अच्छे से फिर सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पीसेस कट हो चुके हैं, तेल हमारा गरम हो चुका है। यहाँ पे अच्छा तेल गरम करने के बाद गैस की फ्लेम मैंने लो कर दी है, और उसमें हम डालेंगे एक एक करके हमारी भाकरवड़ी। इसको हमें लो फ्लेम पे ही सेकना है। इसी तरीके से हम बाकी अपने जो डो है उससे भी भाकरवड़ी बेल के रेडी कर लेंगे, तब तक ये हमारे सिक जाएंगे। ये देखिए, बहुत अच्छा शेप ले लिया, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में। हमारी भाकरवड़ी देख के मुझे तो सिनेमन रोल की याद आ रही है, सेम वैसे ही दिख रहे हैं ये। तो ये देखिए, बहुत ही बढ़िया हमारी भाकरवड़ी सिक चुकी है। इसका शेप और सब कुछ देखिए बहुत बढ़िया लग रहा है। इसी तरीके से हम बाकी बची हुई भाकरवड़ी भी डीप फ्राई करके रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरी सारी भाकरवड़ी बनके तैयार है और इतनी टेस्टी बनी है ये। वीडियो रिकॉर्ड करते करते मैंने खा लिया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको मज़ा आ जाएगा। बनाने में भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।